नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। धार के 127 सेंटरों पर 50,000 से अधिक लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। धार कलेक्टर ने अपील की है कि नागरिक टीका अवश्य ही लगवाएं। टीकाकरण का महाअभियान जो 21 तारीख को हो रहा है, उसमें धार जिले के सभी निवासियों से अपील है कि कृपया स्वयं आएँ, टीका लगवाएं, अपने परिवारजनों को टीका लगवाएं। जिले में 127 जगहों पे टीकाकरण की व्यवस्था की गई है और कल 50,000 से ज़्यादा लोगों को हम टीकाकरण करेंगे। जो कोरोना की दूसरी वेव आई है, उसके बाद से जो संभावनाएं आगे की व्यक्त की जा रही हैं, उसमें हमारे लिए सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय वैक्सीनेशन ही है और हम सब जिलेवासी मिलकर ये प्रयास करें कि अगले 2-3 महीने के अंदर सभी लोगों का टीकाकरण पूर्ण हो जाए और ये हमारे पास एक सुरक्षा कवच उपलब्ध होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से जो पहले हमें डोज सीमित संख्या में प्राप्त हो रहे थे, अब पर्याप्त संख्या में ये डोज आ रहे हैं और पूरे एक हफ्ते तक ये विशेष महाअभियान चल रहा है। इसमें सभी लोग कृपया आगे बढ़ के आएँ, खुद को टीकाकरण कराएँ और पूरे टीकाकरण का परिवार का टीकाकरण कराएँ। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। हम लोग इस द्वितीय लहर के दौरान पिछले एक साल से जो लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं, दोनों टीकाकरण होने के बाद काफ़ी अपने को हम लोगों ने सुरक्षित महसूस किया और लोगों के बीच जाके काम करने की हिम्मत भी उसके नाते बनी रही। तो पुनः सबसे अपील है कि इसमें आगे आएँ, इस पूरी तरह से सुरक्षित टीकाकरण में अपनी सहभागिता दें और स्वयं को भी सुरक्षा कवच प्रदान करें। धन्यवाद। आलोक सिंह, कलेक्टर धार। खबर समय जगत के लिए धार से अल्ताफ खान की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।